तो गाइस अब मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग। अरे ये पार्सल जो मेरा है ना, ये नायका से मैंने तब ऑर्डर किया था जब पिंक फ्राइडे सेल चल रही थी, और ये इतना डिले हो गया कि आज आया है। मुझे लग रहा था कि शायद ये अब आएगा ही नहीं, बट चलो आ तो गया। अब इसमें खोल के देखती हूँ पहले तो है क्या। तेरे को ही नहीं पता, भूल जाती हूँ यार मैं ऑर्डर करके कहीं। इसके लिए ना मैंने शैम्पू ऑर्डर किया, और अब क्या सेल में ML मैंने चेक किया नहीं, और उसकी प्राइस भी काफी बढ़िया थी क्योंकि काफी सही फॉरेस्ट एसेंशियल का वो था, तो मुझे लगा है ये एक्सपेंसिव है तो शायद मतलब ना उतनी बॉटल आई है वो, उसमें पता नहीं चला, मैंने ML चेक नहीं किया, वो इतनी सी बॉटल आ गई। क्या करूं मैं, तेरे लिए तो बहुत है, चुप रह तू। चलो कुछ तो है। वाह यार, ये भाई सही बता रही हूँ, सेल में से मैं शॉपिंग नहीं करूंगी आज के बाद, इतनी बुरा हो रहा है मेरे साथ में, हर चीज फैली हुई आ रही है। ओ देखा फिर फैला हुआ है यार, देखिए पूरा यार। गाइस मैं आपको फिर से एक हिदायत देना चाहूंगी, सेल में से आप शॉपिंग करो तो कम चीजों की करो, एक बार में मैंने ज्यादा कर ली थी, मेरी ये गलती थी, जिस वजह से ये मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है। एक बार मेरा एक सामान नहीं आया था, एक बार वो पूरा ढुला हुआ है, और तीसरी बार ये ढुला हुआ वापस आया। तो दिखा दे क्या है ये, तो मेरा यार ये बॉडी वॉश है यार। शहर में आज थोड़ा सा ठीक होती है, पहले काम से गया था, बैंक वगैरह के कुछ काम थे जो पेंडिंग चल रहे थे वो सब करके आया हूँ। अब आई होप मेरे को वापस से बुखार ना आए और मैं वापस से काम वगैरह चालू कर दूँ। इस मौसम में कितनी नींद आती है, इस मौसम में इतनी नींद आती है, आलस बहुत सारा आता है, उसके हीटर के पास से हटने का मन नहीं करता है, भूख भी नहीं लगती इस मौसम में तो। हाँ भूख तो लगती है, ऐसे मत बोले, मेरे लिए तो खाना लगवा दे। मैं तो तीन रोटी से दो रोटी होने वाली है। मेरा एक सवाल है, क्या आप बैंगन का भरता खाते हो? नहीं, हमारे घर में सिर्फ इकलौती है जो बैंगन का भरता खाती है। मैंने बता दिया सबको ये बात, तो क्या हो गया, बैंगन का भरता अच्छा होता है। बैगन खाना है, बैगन। अच्छा बैगन ही बनवाया सिर्फ? यस, मैं परवाना, मेरा नाम बैगन। अरे आपने मुझे क्या बोला था कि जो तू सब के लिए सब्जी बनाए ना, मेरे लिए तो दो रोटी बना देना। हाँ बन गई। अरे तो यार बैगन थोड़ी ना पता था, बैगन दो रोटी इसको खिला दे मेरी तरफ से। मैं तो खा ली भाई, ये काली खा लो। हाँ चलो दाल बन गई। मत मारे यार, अभी नींद ठीक पूरी तरीके से, तो नींद आ रही है। मैं भी तो नहीं खाती ना बैगन का भरता, इसीलिए बन गया। ये नहीं खाती इसीलिए बन गया, वरना तो नहीं बनता आज बैगन का भरता, बैगन का दाल। बुरा लगता है बैगन, इतना बुरा लगता है यार। यार गाइस आज थोड़ी सी ठंड कम है क्योंकि धूप निकली है बाहर, मैं कार में घूम रहा था, गर्मी लग रही थी यार। हाँ बट लेकिन मैंने एसी वेसी नहीं चलाया यार क्योंकि तबीयत की वजह से। यार अभी मैं पूरा 100% ठीक नहीं हुआ यार, गले का दर्द नहीं खत्म हुआ अभी तक, खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई। आज शाम को मैं ऐसी एक्टिविटी करने लेके चलूंगी, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। कहाँ लेके जा रही है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। कहाँ लेके जा रही है? कहाँ लेके जाएगी तुझे क्यों बताऊं? शाम को बताएगी। हाँ रात को की शाम को। मेरे को ना बड़ा मजा आता है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, अभी अपन को एक डांस वीडियो बनाना है। मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रहा है? संजीव भैया के पास। सलून जा रहे हो तुम लोग? हाँ हम स्टोरी बनाने जा रहे हैं। ओके तो मैं जाता हूँ घर पे, उस मस्टैंग को भी चालू करता हूँ, 10 दिन से ज्यादा हो गए वो गाड़ी चालू नहीं करी मैंने, और मैं तो भूल ही जाती हूँ मस्टैंग। सही चीज भूल रही है तू बेटा, यार मैं तो बिल्कुल ही भूल गई, जिसके लिए खून पसीना आंसू सब बहा दिए उसको भूल रही है तू? यार अरे 10 दिन हो गए ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग मुंबई दिल्ली इधर उधर घूम रहे थे, वो वहां पर नहीं हो पाए, उसके बाद में बीमार पड़ गया। 10-15 दिन हो गए उसको देखा ही नहीं, वो जहाँ लगी वहीं लगी, सही पार्किंग में भी नहीं लगी, हमारी पार्किंग में कोई और गाड़ी लगा गया, वो कहीं और साइड में खड़ी है, वहीं की वहीं खड़ी है। अभी गाड़ी चलाऊंगा, चालू करूंगा और आराम से उसको निहारूंगा 10 मिनट, उसके बाद लेके घर जाऊंगा, घर का काम भी देख कर आना है, ऑलमोस्ट काफी चीजें लग चुकी है। नहीं मैं बस वीडियो कॉल में फोटोज में ही देख रहा था, जाने का हो ही नहीं पाया क्योंकि तबीयत खराब थी। देख के आया था कब गया मैं? अभी गया तो तबीयत खराब, 4 दिन से तो पड़ा हुआ हूँ, 4 दिन पहले गया था। हाँ तो जब अभी और चीजें लगी है ना, तो 4 दिन में पता नहीं क्या हो गया। चलो यार गाइस खाना खा लिया जाए, दाल रोटी। अब मैं थोड़ा ठीक हो गया तो देखो वापस रूटीन सही हो गया। गाइस अब मैं थोड़ा ठीक हो गया तो वापस रूटीन पे आ गया। सही, दाल तो आई गई, पूरा ठीक होते चावल भी आ जाएंगे इधर। एक कमेंट बताती हूँ, सूरज क्यूट है ना इसलिए उसे नजर लग जाती है, उसकी हर सैटरडे को नजर उतार दिया करो। बिल्कुल सही बात है, ड्यूटी रख लो भाई, मेरी नजर बहुत लगती है। देखो अब ये क्या कमेंट पड़ गया और फूल जाता है, देखो मेरी नजर लग गई। सही बात है, इसमें क्या नजर लगती है यार, इतना क्यूट सा चेहरा, टैलेंटेड इंसान, नजर तो लगेगी। देखो पर्पल लाइट डार्क, यू आर अ सस्पिशियस गाय। क्यों? तुझे तो मैं बता दूंगी यार, ये कभी कभार ना इसको कोई बात बोलनी होती है ना ऐसे आधे में छोड़ के कि तुझे तो मैं बता दूंगी बोलकर, अब मैं लावारिस घूमता रहूंगा, पता नहीं कौन सी बात। तो कुछ ना घूमे, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता
यार ऐसे क्या बोल रही है? हाँ ऐसे ही नहीं, सही बोल रही हूँ। और तू चाहती मैं बीमारी में टेंशन लूँ? बीमार नहीं, अब तो ठीक है। अपने आप को बीमार बोलना छोड़। बैग भर के मैंने कपड़े ले लिए, मम्मी को देकर आऊंगा और उनसे बैग भर के धुले हुए कपड़े लेकर आऊंगा। यार सामने खड़ी हुआ करती थी हमारी कार, यहाँ पर कोई अंकल जी कार लगा गए, वो गाँव चले गए। गाँव चले गए गाड़ी खड़ी करके। यार ऐसा थोड़ा ना होता है, पार्किंग यार अपनी है। और हमें हमारी गाड़ी देखो कहाँ आगे खड़ी करनी पड़ रही है। ये रही हमारी किया, ये तुम्हें तुड़वा के लाए थे? अरे चलना मैंने नहीं थोड़ी भाई। ये देखो ये हमारी मस्टैंग गेट के पास इतना खड़ी है, अलग पार्किंग। और भाई बहुत दिनों बाद चलाऊंगा इस बार। यार इसका अनलॉक करने से दोनों गेट अनलॉक ही नहीं होते। सिस्टम इसका थोड़ा अमीर लोग वाला है। मेरी परमिशन के बिना कोई बैठेगा नहीं उधर से भी ऐसा। पकड़ मम्मी के सामने पहनी, मुझे जैकेट उतरती है ना, ध्यान रखियो। मम्मी को दिखाने के लिए तो तबीयत ठीक करेगा, मतलब जैकेट पहनेगा। तो अभी ये भी थोड़ा सा वुलन टाइप का है ना, इसमें भी वो नहीं लग रही, क्या बोलते हैं, ठंड नहीं लग रही, इसलिए नहीं पहना। और कार भी एकदम गर्म हो रखी है इसलिए मैंने नहीं पहना। यार समझा कर थोड़ी सी बात को, लेकिन मम्मी के सामने पहनना पड़ेगा, चाहे तुम आग से निकल के आ रहे हो। ये स्वेटर नहीं पहना होएगा बीमार तुरंत ही। चलो बाकी एक बार छत का राउंड मारेंगे, पतंगों का देखेंगे, उड़ाएंगे नहीं। अरे उड़ाएंगे नहीं, हंस कर रहा, उड़ाएंगे नहीं। वो तो मुझे पता है, एक बार घर देखो दिखे ना वहाँ पे। जय श्री राम। किसी रेंजर्स की 125 किलोमीटर की पड़ी है रेंज। या दोस्तों कोई चीज बताऊं, मैंने ना इसके कोई भी बटन मैक्सिमम चीजें तो यूज ही नहीं करी है। ये प्लस माइनस करके एसी का यूज कर लिया है, एसी बंद या चालू कर लिया है। ये इधर वाला बटन दबा के ना ये वेंटिलेशन इसका सीट्स का एसी चालू हो जाता है, वो चालू कर लेते हैं, वो बंद कर लेते हैं बस। हॉट वाला ट्राई नहीं करा है अभी तक, सर्दी आ गई है, अब ट्राई करेंगे हॉट ये वाला। और इसका ये वाला, ये तो डबल लाइट वाला, ये यूज करा हुआ है। ये किस चीज के लिए? ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। यार ये पता नहीं क्या है ट्रैक्शन कंट्रोल, ये भी यूज नहीं करा। इसके तीन मोड्स हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से इससे होते हैं स्टीयरिंग के मोड्स। इसमें स्टीयरिंग के मोड दिखाता हूँ आपको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। मैं कंफर्ट पे चला रहा होता हूँ इसको हमेशा। ये वाला स्पोर्ट्स मोड वाला है, इसको सिर्फ एक बार स्पोर्ट्स मोड इस्तेमाल करा हुआ है मैंने हाईवे पे जब लेकर आया था, उसके बाद से आज तक यूज नहीं करा। मैक्सिमम चीज है, इसमें गाने भी नहीं सुने हम लोगों ने तो। ठीक है, आवाज सुनने मजा आता है इसलिए। डिग्गी उसमें जो रखा था ना, फर्स्ट डिग्री चले थे, वही सामान रखा हुआ है, वही फास्ट टैग और वही चीज रखी हुई, कुछ भी नहीं छेड़ा इसके अंदर से, ना वॉल्यूम बंद ज्यादा करा ना कुछ छेड़ा, जब से आया तब से। और कुछ चेंज नहीं करा इस स्टीयरिंग के आसपास की, तो चीजें यूज नहीं करी मैंने, फोन उठाने वाला है कि कुछ हो जाए, कुछ दबा दे तो कुछ हो जाए, इसलिए दबाते नहीं हम तो। हाँ मतलब हल्का सा डर सा रहता है। और उसके बाद ज्यादा टाइम मिला नहीं इसको चलाने करने का, क्योंकि लाइफ में बिजी थे थोड़ा सा काम करने में। ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए है ना। मुझे बैठे हुए अराउंड एक। आज ही मैंने इसका व्लॉग इसलिए बनाया इसका, क्योंकि मैसेज आना तुरंत चालू हो जाता है, आपकी गाड़ी है या नहीं है, पीली कार कहाँ गई। मैंने कहा आज दिखा देता हूँ वापस से, हर थोड़े दिन में दिखा देता हूँ। यार काम छोड़ के तो चलाने का कोई मन है नहीं, और वैसे भी सर्दी हो गई, रात को निकलने का मन करता नहीं है। सो और बाकी तबियत खराब थी, उससे मैंने ट्रैवल करते इसलिए नहीं चला। चलो अभी फिलहाल चलते हैं घर पे। देखो एक चीज बताऊंगा, ये मेरा फोन है, ये मैंने गाना चलाया, नेट ही नहीं चल रहा। नेट तो चल रहा है। देखो ये मेरा फोन है, और अभी चलेगा देखो, ये देखो। मेरा फोन कनेक्टेड नहीं है इसमें। गाइस एक चीज बताऊंगा यार, ये मस्टैंग में बैठना और मस्टैंग को चलती हुई देखना, दोनों की फीलिंग एक नंबर अलग है भाई। वो देखो गुड्डारा दूर से चलता हुआ। देखो ट्रॉली लेकर आ गई, फिर ये तो आएगा नहीं मेरी इस गाड़ी के अंदर। फिर मुझे क्या पता कौन सी गाड़ी लेके आया है, बहुत दिनों से चलाई नहीं थी इसलिए मैं लेकर आ गया। वो कहां की है तुमने? किया वो यशी वगैरह लेकर गए हुए। कहाँ गए? सलून गए हुए वो लोग। उनसे कह देना घूमते हुए इधर से निकल जाएंगे, बैग को ले जाएंगे। इसमें आ जाएगा कि पीछे कर देंगे, सेट कर देगा हितेश, कर देगा सेट। ले भी तो अंदर रख ले, पता चले रोड पे से कोई और ही ले जाए। दो दिन में कपड़े धुल पाएगी? घर पे नहीं थी, मुझे लगा घर पे मिलोगी। आप काम नहीं करवा रही, आप कुछ काम संभलवाओ, फिर जब कुछ हो जाता है फिर मुझे कॉल करती रहो, है ना। 2 बजे गई हूँ मैं। और कितने बजे आई थी? 1:30 बजे सुबह 9 बजे आई थी। आ गई 9 बजे, पापा ही नहीं जाते 9 बजे तक तो। पापा यहीं बैठे मिले थे, 9 बजे की आई हूँ मैं। चलो ठीक है, काम खूब सारा हो गया घर के अंदर? हाँ खूब सारा हो गया घर के अंदर। यार पतंग का सद्दा दिख रहा मुझे यहीं से, ऊपर टंग रहा कहीं पे। हाँ पतंग दिख रही है, घर नहीं दिख रहा तेरे को? मैंने तो घर बनवाया पतंगों के लिए था। और अब सर्दी नहीं लग रही? जैकेट लेके आए बोले ना इतने, मैं उतरूंगा ना तब दे देना मुझे, मैं पहन लूंगा, मम्मी नहीं तो डांटेगी मुझे। 2-4 गिलास लस्सी और पिला देते हैं। ठंडी लो चप्पल मारो साले के, आपकी तरफ से मार दूंगा। मैं ही मार दूंगी, मैं पहले की चप्पल पहन के आई हूं इसलिए। मुझे पक्का पता था कि लस्सी का डायलॉग मारेगी। तुम तो बीमार हो जाओ, हमारे टेंशन दे देते हो तुम। यार सर्दी जुकाम बुखार तो सबके होता रहता है, मेरे को तेरे बीमारी से डर लगता है, होता नहीं है तेरे। लापरवाही लापरवाह बहुत ज्यादा, जब इसको पता है कि तबीयत खराब हो रही तब भी लस्सी पी रहा है, बताओ। हाँ तो इसके क्या फर्क पड़ता है? तो इसके क्या फर्क पड़ता है? माँ है तो सही, पीछे से टेंशन करके अपना से दर्द करके। यार एक बार खांसी जुकाम तो हर किसी के हो जाता है यार, कोई के नहीं होता, हमारे तो नहीं हुआ। आपके नहीं हुआ खांसी जुकाम? ना मेरे नहीं हुआ। बढ़िया नहीं हो तो इधर आना मम्मी, आना इधर इधर इधर। तो अभी हम लोग बैठे हैं मम्मी जी के रूम में। हाँ हमारे रूम में बैठे हो। ये 10 तारीख भाई, यश भाई आपकी 10 तारीख होने वाली है, 3 दिन बचे हैं उसके अंदर। अरे मुंह तो दिखाना बंद कर दिया, पैंट ऊपर करो, पीछे से लाइन दिख रही है।
7 तारीख हो गए बेटा। हाँ अच्छा। तीन दिन में तो नहीं हुआ भाई होम टूर। आपको बस टाइम बता रहे, ये नहीं बता रहे एक्स्ट्रा चीजें भी हो रही है। एक्स भाई मेरे को तो मेरा घर रेडी चाहिए था 10 तारीख का, आप लोगों ने नाम लिया था कि मैं 10 तारीख बाद होम टूर भी तो हो रही है, तो थोड़ा टाइम तो ऊपर नीचे होता है। अब 2-3 जयपुर बंद ऐसे हो तो गया ऑलमोस्ट यार, लेकिन वो जो फिनिशिंग वाली चीजें और डेकोर वाली चीजें ना वो बाकी सारी की सारी उनको काम करने, तो अपन रोक रहे बार बार काम। हाँ फिर और लेट होगा फिर बिना मतलब, फिर मैं चिल्लाऊंगा किस पे, इस आदमी पे। नहीं गाइस मेरे पे चिल्लाया नहीं जाता, इस चीज में तो मेरा मालिक अच्छा है। इतनी बार घर पे आ गया मतलब मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब नहीं कब देंगे, कब ये रेडी होगा भाई, कब होगा रेडी यार। तो ऐसे मारा क्या, हल्का सा दिखा दो ना, देखो दिख तो रहा है, हल्का सा नहीं, सोने की तरह चमक रहा है, बल्कि गेट के बाहर रोशनी तो दिखाओ। अब एक साथ ही दिखा सकते हैं होम टूर, ऐसे थोड़े होगा टुकड़ों के अंदर। गाइस हम लोग के साथ बेस्ट सीन पता है क्या, हमारे दोनों साइड रोड है तो हमारे दो फेज है करके, और दो एक्सटीरियर डिजाइन कर रहे हैं हम लोगों ने, कि ना पीछे से देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि हमारा वाला घर है, आगे से देखोगे बिल्कुल अलग है, पीछे से देखोगे बिल्कुल अलग है। फोटो दिखाई इनको भी दिखाई थी, यशी को सबको दिखाई, बोलिए किसकी फोटो है, बोले मेरे घर की, मेरा हमारा घर है, लेकिन लगा नहीं पा रहा हूँ मैं, ना तो किसी चीज की है ही नहीं है क्या, हाँ ये काम नहीं हुआ, हाँ हो गया ये काम, सब हो गया ये सब हो गए, हाँ है अगले, पर ये भी बहुत अच्छी बात है कि किसी का दिल तो नहीं तोड़ता, चाहे हो चाहे नहीं हो, हाँ हो गया भाई, और हो जाता है ऐसा निकल जाता है। 5 दिन एक्स्ट्रा में कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई का 5 दिन एक्स्ट्रा, वो जानती है इनको, जानती है, ये भी तो बैठे ही है, खुद बैठे हैं, परेशान क्यों करो ज्यादा, अब लगाओ सफाई के कितने पैसे देंगे, मैंने लास्ट 4 दिन में 8,000 रुपए जा चुके हैं, अब ये लगाओ आपके आगे जा रहे हैं ना, नहीं इनके आगे ही जा रहे हैं, आते ही हटता ही नहीं है, देखो इतना घिसने के बाद, अब लगाओ आप तो टाइम लगता है चीजों में कुछ, ये 8,000 रुपए हम 5 जनों को दो रोज। अपन चल मैं कल से अभी देश भैया यहाँ पे एक फंक्शन था, वो दाल बाटी चूरमा वाला, वहाँ पे 3 लड़कियों को रिजेक्ट मारा, 3 क्यों नहीं जवाब दिया, मैंने कोई रिजेक्ट नहीं मारा, कुछ था ही नहीं भाई, कुछ था ही नहीं का क्या मतलब हुआ, मतलब रिजेक्ट क्यों मारूंगा मैं, क्यों तो मैं कोई आमिर खान या शाहरुख खान या जॉन अब्राहम छोड़ना, वो भी नहीं मारेंगे 3 लड़कियों को रिजेक्ट, तो बता 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 डिटेल डिटेल दे, ओए ए बता दो, ए बता दो, बता 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 गाइस डिटेल्स में तो ये है कि 3 लड़कियां थी जिसमें से एक सब घर वालों को पसंद आ गई थी, पर इन्होंने मना कर दिया, क्यों भाई, भाई अभी मेरी उम्र नहीं है शादी, तो इन्होंने ऐसा बोला अपनी मम्मी को कि है ना मम्मी अभी मैं नहीं करना चाहता, और मैं सिर्फ 24 साल का हूँ तो मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसे इन्होंने ये कौन सी बात हुई भाई, तो मैच्योर तो अंदो मुझे, आई नो मैं मैच्योर, उम्र से पहले बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका हूं, बहुत ज्यादा डैशिंग हैंडसम और ये सब, हैंडसम हैंडसम हो चुका हूं, तो मैच्योर हो नहीं हो तुम निब्बा निब्बी लगो, अभी तो मैं लग रहा हूं अजीब सा, तुम कुछ भी लोगो हमें उससे मतलब नहीं है, तू कुछ भी हो कैसा भी मैच्योर हो कुछ भी नहीं, हमें तो क्या भाई हल्दी मेहंदी संगीत डांस करने का मन कर रहा है भाई, आज ना तू तो एंजॉय करना चाहता है, हाँ। आज मेरी कोई शादी थी मैं उसमें जाना चाह रहा था, हाँ। ना तू तो क्या बोलता है भाई, कोई शादी वादी में नहीं जाना अपन को वहाँ चलना है बॉलिंग खेलने, इसके कारण रुका हूँ मैं, अब मैं तो एंजॉय नहीं करूँ और ये मेरी शादी में एंजॉय करे, शादी में एंजॉय नहीं करेगा, क्यों क्या हो गया, मौसम अंडी अपना फोन भूल गई, तो उठा ले कॉल पे बात कर ले, बोल यहाँ रह गया, हेलो कितना टाइम लगेगा ये बताओ, या तुम कट गया, ये देखो खुद की शादियां रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरों की शादियों में मिठाइयां खाने जा रहे हैं, जबरदस्ती लो आ रहा हूं मैं भी आ रहा हूं, 15-20 मिनट के लिए जाकर आएंगे, मूवी टिकट बुक नहीं करवाई क्या, मूवी की टिकट बुक करा दी, आज हम लोग सैम बहादुर देखने जा रहे हैं, आपको सीरियस ऑन सीरियस नोट इसकी शादी की बात चल रही है फुल ऑन घर पे, हाँ हर जब और क्या, जब भी तो दिखाई थी 3 लड़कियां उसमें स्वामी, हम लोग गए नहीं वरना तो इसके पेल देते हैं भयंकर तरीके से, आपकी तो शादी फिक्स ही करके आते हैं हम, फिक्स बिल्कुल फिक्स, तो मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है भाई और मैं अभी नहीं कर सकता शादी। क्यों कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप और दूसरी गर्ल्स, और भी दूसरी गर्ल्स भी है क्या, और दूसरी गर्ल्स को भी ध्यान में रखना है, भाई मुझे देख के लगता है कि मैं सिंगल हूँ, पता चल चुका है, डबल देखो इधर
इधर आओ मैं बता दूं, प्रशांत के पापा अगर उनको लड़की पसंद आ गई हाँ। इसके पड़ेंगे सोटे कान के नीचे दो, पहना के दूल्हे की शेरवानी खुद की पहना देंगे, पहना के बैठा देंगे मंडप में, चल फिर ले चुपचाप खत्म। यार ये तो है, ये जो भी हीरो बन रहा है ना सारी हीरो पंथी निकलेगी इसकी, थोड़े दिन रुक जाओ, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 99% अगले साल आपकी आती नहीं, प्रशांत सर के पापा की जाती नहीं, अब आप ही जाओगे। हम लोग मैं और प्रशांत नाच रहे मुंह में होठ दबा वो नोट दबा के, मेरी और की शादी है, मेरी और की शादी है। यार ये तो है, प्रशांत भैया के पापा ने हितेश भैया की शादी फिक्स बोली है। कम से कम मेरे, कम से कम 3 साल एटलीस्ट मुझे चाहिए फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट। कौन से सेल्फ इंडिपेंडेंट? ग्रोथ के लिए चल रही है ग्रोथ आपकी। हो गए इसके, हो गए 1 साल से तो ढूंढ रहे मेन। इसकी शादी बताया किस लिए रुकी भी है? बस प्रशांत के बड़े भैया की वजह से हाँ। बाकी कोई और दूसरा नहीं थी ना, तो आपकी कली शादी थी भाई। मेरी मम्मी और पापा से लड़ाई हो चुकी है इस बात पे, तो मैंने मना कर दिया भाई वो प्लॉट लेना तेरे नाम पर। देखिए भाई प्लॉट तुम्हारे पास दे दूंगा यहीं पे। हम जब तक बीवी नहीं आएगी हम भी आपको घर में नहीं बाड़ेंगे। क्या मुझे और बीवी के रखोगे क्या? क्या करोगे फिर? मैं बीवी आ जाएगी तो आपने कर रहा होगा तो फिर बिना बीवी के लावा रिस घूमोगे। यार मुझे ना वो फीलिंग आने लग गई कि सुयश टीम में से एक की शादी पक्की होने वाली है। टीपू की होगी अभी। अरे टीपू भी है जैसे मैं जो उतावल है ना, टीपू कालू तो प्रशांत सर आपको नहीं पता भाई। अरे भयंकर उतावल है शादी। अरे तो प्रशांत सर की तो इनकी बात होगी ना पहले, दोनों भाई है बड़े। अच्छा हाँ, ये दोनों भाई बड़े लगे ना प्रशांत। जब इनकी होगी फिर प्रशांत सर कर लेंगे। टिंकू भैया की होगी, टिंकू भैया जब भी प्रशांत भी लगा हुआ है इसकी शादी के पीछे कि जैसे कोई कुछ नहीं लगा। प्रेशर आ रहा है चारों तरफ से, कर लो गाइस प्रेशर तो मैं कर आता हूं फ्रेश दबा के। हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, मेरे को तो बोल रही हूं कोई नहीं है। अकेले आए हो तो और क्या? ओ यार अंकल मेरे को तो बोले कपड़े लेके आने हैं तो मैं अकेला आ गया। वाह वाह क्या होती है वाह भैया बताओ। मैं जब देखो आंटी पहले आ जाती है, अंकल तो बाद में आते हैं। तो चेन उल्टी खुल रही नीचे ये खुल गई। तो आज का खाना मैगडी। मैगडी कहाँ है? अरे कुछ दिख क्यों? मैंने तो खा लिया मेरा फटाफट से। गाइस कुक आंटी आज ऑफ पे थी तो हो गया। हितेश जी तो भाग गए शादी के अंदर, चुपचाप निकल गए मस्त अपने रोटी चावल गुलाब जामुन सब खा के आएगा। वो पेट तो मुझे मेरा चॉकलेट छुपा के लेके जा रही है, बोल रही बोले देखते हैं मूवी हॉल वाले पकड़ पाते हैं। ये मेरा टेस्ट है मूवी हॉल वालों का कि मूवी हॉल की सिक्योरिटी कितनी टाइट है, अभी पता चल जाएगा भाई। जैसे अगर इसको पकड़ में सब सब चीजें चल देना। मैं आऊंगी ही नहीं, मैं आऊंगी ही नहीं। अपना तो रास्ता ये लग रहेगा लड़कों का लड़की भाई। मैं तो मैं नहीं डरी। तो पता नहीं वैसा कौन है। अरे यार चलो रे, तुम डरते हो देना भाई। उद्यमी है भाई कसम से। लाओ 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 यार सॉक्स में डाल के लेके आऊंगी। देखो दोस्तों मैं इनको जानता नहीं, अगर ये पकड़े गए तो मैं जानता नहीं, अंदर जाके तो मैं ही खा लूंगा। या तो मैं कुछ सो रहा था, चांदी चोरी करके लेके जा रही हूँ। है एक बिस्किट ही तो है जो मुझे पसंद है। पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ती है रात में। भाई पता क्या कदम वेरी गुड। और इसको तो अच्छा क्या नहीं, मेरे को तो आपके पास तो कुछ नहीं, अब तो जाओ। देखा 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 मैंने कहा था। चलो मैं तुम्हारे साथ देख कर आ चुके हैं मूवी में। मूवी और ये मूवी में भी बस ऐसे ही खास रहा था यार। मेरी खांसी रुकी नहीं पूरी टाइम, खांसता रहा मैं देख रहा था, सब डिस्टर्ब ही हो रहे होंगे। वैसे मूवी बहुत अच्छी है और विकी कौशल की एक्टिंग, विकी कौशल ने इतनी प्यारी एक्टिंग करी है, मजा आ गया देख कर। मतलब ऐसा लग रहा था वो पूरा रोल में से घुस गया है। बहुत अच्छा किया, बहुत मजेदार। और दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर।